300 से, जिसको हमने CNG किट इंस्टॉल किया हुआ है। अभी मैं इसका टेस्ट ड्राइव देख रहा हूँ। पहले तो आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाता हूँ। देखिए कोई चेक लाइट नहीं है, किसी भी तरह के कोई चेक लाइट नहीं है। ओके, AC ऑन है हमारा और मैं गाड़ी रुकाता हूँ, अभी साइड में ले लेता हूँ। आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, ये CNG पे है। ओके, जो भी जानकारी रखते हैं उनको पता चल जाएगा कि ये गाड़ी अभी CNG पे है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो ग्रीन बॉल आपको दिख रही है, अगर मैं RPM थोड़ा एक्सीलेटर देता हूँ तो ये हिल जाएगा। ओके, तो इस तरह से हिलता है ये, और अभी इसका कैलिब्रेशन चल रहा है। तो गाड़ी तो गोली है गोली। एकदम स्मूथ चल रही है CNG पे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी रोड में जहाँ पे टेस्ट ड्राइव लेता हूँ, जो ट्रैक है ना हमारा टेस्ट ड्राइव का, वो ऐसा है कि वहाँ पर ज़्यादा ब्रेक लगाने पड़ते हैं हमें, ताकि गाड़ी को क्या दिक्कत आती है समझ में आना चाहिए, इसीलिए। तो अभी जैसे यहाँ पे मैं क्लच दबा के स्पीड कम कर रहा हूँ, आप देख लीजिए, तो गाड़ी बंद नहीं गिरनी चाहिए। और उसके बाद तुरंत सेकंड पे, अभी ये सेकंड पे है, आपको यहाँ पे भी शो होगा, तो सेकंड पे झट से उठनी चाहिए। और कोई दिक्कत नहीं है CNG के अंदर, XEV 300 बहुत अच्छी परफॉर्म करती है, बहुत अच्छी चलती है। तो अगर आपके पास XEV 300 है तो आप आराम से इसको इंस्टॉल कर लीजिए। तो एक छोटा सा मैं बोला आपके लिए बना दूँ कि कैसे चलती है XEV 300 CNG के ऊपर, और इसके बाद इसका डिटेल भी दूंगा, क्योंकि अभी इसका इंस्टॉल करके मैं कैलिब्रेशन कर रहा हूँ जस्ट। ये देखिए, ये मेरा अभी कैलिब्रेशन शुरू है। तो कैलिब्रेशन के अंदर ही इतना परफॉर्म अच्छा है इसका, बस लगती है गाड़ी एकदम। और एक बार मैं आपको बंद करके शुरू करके दिखाता हूँ, फिर उसके बाद में ये वीडियो ख़त्म करते हैं। तो अभी मैं इसको करता हूँ बंद। ओके, तो ये बंद कर दिया है मैंने, चाबी भी निकाल दिए। अब देखते हैं इसका कैलिब्रेशन कितने सटीक से हमने किया हुआ है। तो अभी ये गाड़ी शुरू हो गई, आप देख लीजिए बॉल रेड कलर का है, इसका मतलब है कि ये पेट्रोल पे है। अभी इसको हल्का सा रेस देंगे तो उसके बाद ये गाड़ी CNG पे शिफ्ट हो जाएगी। तो अभी ये CNG पे शिफ्ट हो रही है, आप देखिए कुछ ही देर में ये CNG पे हो गई है। ओके, तो अभी ये CNG पे है और इसका जो बॉल है वो ग्रीन हो गया है। ओके, अब मैं आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाता हूँ। आप RPM देखिए, किसी तरह का कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है, स्टेबल है। इसका AC भी शुरू है और मैं अभी इसको बंद कर देता हूँ AC को। AC बंद हो चुका है, अभी देखिए कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, स्मूथ है। तो यहाँ से होती है इसकी शुरुआत, इसका इंडेक्स, जिसको फिल अप करने के बाद हम लोग कैलिब्रेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये इस तरह से कैलिब्रेशन रहता है। कैलिब्रेशन में मैं बहुत वक्त देता हूँ, ताकि गाड़ी हर कंडीशन के अंदर एकदम स्मूथ रहे। आपको इसके अंदर गैस का प्रेशर देखिए, 2.15-16 कुछ तो है। RPM भी स्टेबल है इसका। ये पेट्रोल के इंजेक्टर का प्रेशर बताता है और गैस का भी बता रहा है। और मैं अभी आपको इसका डायग्नोस करके बताता हूँ। आपको इसके अंदर कुछ भी एरर नहीं है। ओके, ये जो आप देख रहे हैं, शायद आपको दिख रहे हैं, तो मैं थोड़ा मोबाइल नज़दीक लेके जाता हूँ। ये जो है ये पेट्रोल इंजेक्टर का है रेशो, और ये CNG का है। ओके, तो कोई एरर नहीं है, सब कुछ ठीक है। तो अभी इसको चलते हैं
टेस्ट ड्राइव लेता हूँ मैं अभी आराम से, और ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। परफॉर्मेंस छोटा सा कैलिब्रेशन का तरीके से हम किस तरह से करते हैं, इसलिए मैं बोला चलो आपको भी जानकारी दे देता हूँ कि किस तरह से कैलिब्रेशन होता है इसका। हर एक पैरामीटर रहता है हमारा, फर्स्ट सेकंड थर्ड टॉप रिवर्स, हर पैरामीटर पे उसको हम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू वेरी मच। और प्लेन सरफेस पे भी घुमाते हैं ताकि कस्टमर को कोई दिक्कत ना हो। तो इतनी सारी मेहनत के बाद एक गाड़ी सीएनजी पे होती है। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।